उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक चोर चोरी करने के लिए सबसे ऊंचे पावर ग्रिड टावर पर चढ़ गया। खास बात यह है कि टावर पर चोर फंस गया, वहीं खुद की जान बचाने के लिए उसने डायल 112 और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। विद्युत विभाग के कर्मियों ने लगभग 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद चोर को हाईटेंशन लाइन से नीचे उतारा। इस दौरान बिजली विभाग ने लाइन की आपूर्ति को बंद करा दिया था। मामला जिले के गजनेर थाना के नाथ के पुरवा गांव का है। यहां एक खेत में लगे पावर ग्रिड के टावर पर सचेरी थाना क्षेत्र के दुलभुल गांव निवासी राजशेखर चोरी के इरादे से चढ़ गया। इस टावर के तारों में 7,65,000 वोल्टेज का करंट दौड़ता है। बताया जा रहा है कि टावर में एल्युमिनियम के कीमती पार्ट्स लगे होते हैं, जिसको चुराने के लालच में चोर इतनी ऊपर चढ़ गया। नीचे खड़े उसके अन्य साथी उसे वहीं पर छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद उसने पुलिस को फ़ोन पर खुद जानकारी दी। चोर ने कंट्रोल रूम में फ़ोन कर कहा कि मेरे साथी भाग गए हैं, मैं फंस गया हूं, मुझे बचा लीजिए। वहीं चोर को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। सही टाइम पे स्वागत। जाऊ आ गए, चल देखा आ गए।